हम बनाएंगे हलीम के लड्डू। इसके लिए हमने ये हलीम सीड, इसे आलिव सीड भी कहते हैं, ये ले लिया है। 1/4 कप हलीम सीड लिया है, इसे हम पानी डाल के भिगो देंगे। इसमें हमने 1/2 कप पानी डाल दिया है, इसे 2 से 3 घंटे इसी तरह रहने दें, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं आप। हलीम सीड में हमने 1/2 कप पानी डाला था, इसमें 1/4 कप पानी और डाला है हमने, और छोड़ दे। हलीम के लड्डू आज हम ताल मखाना डाल के बनाएंगे। एक कढ़ाई में हमने 2 कप ताल मखाना ले लिया है, इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसे सूखा ही सेकेंगे हम। गैस को मीडियम और तेज करते हुए इसे सेकेंगे। हलीम सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, इसे खाने के बहुत ही फायदे हैं। बच्चा होने के बाद इसे न्यू मदर को इसके लड्डू हम खिलाते हैं और भी कई तरह से इसे देते हैं। ये खून की कमी पूरी करता है और भी बहुत तरह की बीमारियों में काम आता है। बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द होने से भी इसे खाने से बहुत से फायदे हैं। ये बहुत तरह से बनाया जाता है, हम आज इस तरह से बना के आपको दिखा रहे हैं, दाल मखाना और हलीम के लड्डू। दाल मखाना को अच्छी तरह से सेके, ध्यान रखिए जले ना। 2 कप दाल मखाना लिए हमने, इन्हें हम पीसेंगे, ये अच्छी तरह से आकरा आकरा सेक लें। से 7 मिनट हो गए इन्हें सेकते हुए, अच्छी तरह से सेक चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। ये दाल मखाना को फूल मखाना ही बोलते हैं, देखिए इस तरह का, ये बहुत ही हल्का होता है। ये सेक चुके हैं, गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। दाल मखाना ठंडे हो गए हैं, अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। मखाना को इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर। हलीम सीड भी भीग चुका है, ये देखिए, ये बिल्कुल जेल की तरह बन गए हैं, ये इस तरह से अच्छी तरह भीग गए हैं। जितने हलीम सीड ये भीग के हो गए हैं, उतना ही गुड़ हमने ले लिया है। गुड़ कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी को गर्म होने दे, घी गरम हो रहा है। इसके लिए हमने ये 1 कप सूखा हुआ नारियल, जिसे हम गट भी बोलते हैं, इसे ग्रेट कर लिया है। 1/2 कप बादाम, इसे भी दरदरा पीस लिया है। लड्डू में ये बादाम और नारियल भी डालेंगे हम। घी गरम हो चुका है, इसमें ये गुड़ डालेंगे, गुड़ को चलाएंगे। अब इसमें ये हलीम सीड भी डाल देंगे, ये देखिए बिल्कुल जेली की तरह लग रहा है। ये इसे भी अच्छी तरह से साथ में मिक्स कर लेंगे। ये हलीम सीड देखने में बिल्कुल तिल की तरह होता है, इसका कलर देखिए ब्राउन कलर का होता है। अब इसमें ये ग्रेट किया हुआ नारियल भी डाल देंगे। बादाम भी डाल देंगे, बादाम को दरदरा पीस लिया था हमने। बादाम आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर ज्यादा डालना हो तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, कम करना हो तो कम भी कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से चलाएंगे हम। इसे मीडियम आंच पे हम चलाते हुए पकाएंगे, इसे बहुत देर नहीं पकाना है। दाल मखाना डाल के बनाने से लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही हल्के भी हो जाते हैं, खाने में बहुत ही स्वाद।
बच्चा होने के बाद इसे माँ को खिलाया जाता है। ऐसे भी ये खा सकते हैं। एक लड्डू रोज खाएं दूध के साथ। ये खाने में जितने अच्छे हैं उतने ही हेल्दी भी हैं। इसे हम सभी खा सकते हैं। हालिंग सीड की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। इसे आधा चम्मच से एक चम्मच ही रोजाना ले सकते हैं हम। ऐसे हफ्ते में 3 दिन ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तासीर में गर्म होता है। इसे लगातार चलाएं। गुड़ को अच्छी तरह से पकने दें। इसके साथ में 7 से 10 मिनट टाइम लगता है इस तरह से ये होने में। गैस को तेज ना करें, मीडियम फ्लेम में इसे चलाएं। ये इस तरह से हो गया है। गुड़ की चाशनी की तरह ये बन गई है। बहुत ज्यादा लड्डू एक बार में ना बनाएं, थोड़े थोड़े लड्डू बना के खाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। इसे हमें सर्दियों में ही खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है हालिम की, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। आधा से पौन चम्मच रोजाना आप ले सकते हैं हालिम से। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना ले। ये देखिए इस तरह से हो गए। अब इसमें ये दाल मखाना का पाउडर डाल देंगे। दाल मखाना डाल के इसे मिक्स करें। दाल मखाना डाल के बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट भी। अच्छी तरह से मिक्स करें इसे। दाल मखाना डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए बिल्कुल सूखा हुआ हो गया ये। ये हो चुका है। गैस को बंद कर दे। हमने इसमें सिर्फ सूखा हुआ नारियल और बादाम डाला है। आप चाहें तो और भी कोई ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। काजू, किशमिश कुछ भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। इसे थोड़ा चलाते रहें, कढ़ाई अभी गर्म है। ऐसे हल्का ठंडा होने दे तो इसके लड्डू हम बनाएंगे। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, बहुत ज्यादा बड़े लड्डू नहीं बनाएंगे हम इसके। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। हल्का गर्म रहते ही इसे हम बनाएंगे। इसी तरह सारे लड्डू बना लें। थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले लें और इसे इस तरह से लड्डू बना लें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले और इसे लड्डू की तरह बना लें। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। ये एक लड्डू दूध के साथ रोजाना खाएं। इसी तरह सारे लड्डू बना लें। दाल मखाना डाल के हालिम सीड के लड्डू रेडी है। ये खाने में जितने स्वादिष्ट है उतने ही हेल्दी भी है। रोजाना एक लड्डू दूध के साथ खाएं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। इन्हें सर्दियों में ही खाना चाहिए। हालिम बहुत गर्म होते हैं इसलिए इसे सर्दी में खाना चाहिए। इस तरह से ये लड्डू बनाएं और खाएं। हम हमारी रेसिपीज बहुत ही सिंपल तरीका से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपको अगर ये पसंद आए तो आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।